हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एसडी में। आज हम आपको आरआरबी जेई के जो 14,000 कुछ पद आए हैं, उसके 14,000 पद वैकेंसी आए उसके बारे में पूरा बताएंगे, जिसका विज्ञापन संख्या जो है 03/2018 है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो जितने जोन हैं वहाँ पर ये वैकेंसी, से हेडक्वार्टर है या NWR का है, जितने भी जोन है उसके बारे में, पूरे 16-17 जोन है उसका बारे में पूरे में डिटेल दिया गया है। तो इसके बाद देखिए कि रिक्रूटमेंट जो है जूनियर इंजीनियर का है, जूनियर इंजीनियर आईटी का है, डिपोट मटेरियल का है, और केमिकल एवं मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट का है। इतने पोस्ट और वैकेंसी जो है आई हुई है। इसके बाद देखिए कि ये नोटिस है, और ये जो इम्पॉर्टेंट डेट है, देखिए 29 को विज्ञापन होता है, रजिस्ट्रेशन जो है 2 तारीख से शुरू हुआ है, लास्ट डेट जो है 31 जनवरी है। आप अगर कोई ऑफलाइन पेमेंट करता है उसको 4 फरवरी तक दिया जाएगा, और इसके बाद क्लोजिंग सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 7 फरवरी तक है, और इसका जो एग्ज़ाम है वह जो है अप्रैल या मई के बीच में होगा। ये जो है विज्ञापन के माध्यम से इसको दिया गया है। तो इसके बाद देखिए, ये जो है इम्पोर्टेंट इंट्रैक्शन है कि वही लोग मतलब वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, जो लोग अभी वेटिंग में चल रहे हैं, जैसे जो अभी फाइनल ईयर में है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जैसे जो अभी इस बार डिप्लोमा फाइनल ईयर में वो इस फॉर्म को नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी तरह से दिया गया है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अप्लाई, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए कि एज की जो गणना होगी 1/1/2019 से होगी, और केवल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन को मैंने सबमिट कर किया जा सकता है, और एग्ज़ाम जो है 2 स्टेज में होगा, वो भी CBT टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 स्टेप में एग्ज़ाम होगा। और उसके निर्देश दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन का जो करने के बाद जो है ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और नोटिस नंबर 11 है कि वेटिंग लिस्ट मतलब जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी सेकंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए, वह 15 गुना बुलाई जाएगी, जितने सीट उसके 15 गुना जो है क्वालिफाई किया जाएगा। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की निगेटिव मार्किंग की जाएगी, इस परीक्षा में जो है 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और जनरल इंस्ट्रक्शन सब दिया हुआ है, किस तरह फॉर्म भरेंगे, क्या करेंगे, वो सब दिया हुआ, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा CBT के लिए। तो इधर अब वैकेंसीज़ के बारे में पूरा दिया हुआ, डिटेल दिया हुआ है, और मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट क्या क्या, किस पोस्ट के लिए कितना मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो भी दिया हुआ है। A3 के लिए फिजिकली फिट होना चाहिए, सब 06/9 है, 9/6/9 Class 2D है सब, B1 के लिए, B2 के लिए, C2 के लिए। और इसके बाद जो है यानी जो एज की लिमिट है वो 1/1/2019 हो गई होनी चाहिए, यानी जो जनरल है उनका 2/1/1986 के बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए, और OBC का जो है 1983 तक, और ST ST का 1981 तक है, और लोअर लिमिट जो है 2001 तक है। ST ST को जो है एज रिलैक्सेशन जो 5 ईयर का दिया गया है, OBC नॉन क्रिमिनलों को 3 ईयर का दिया गया है, और जैक सर्विस मैन उसके लिए 2 ईयर का दिया गया है। इस तरह से जितने भी अन्य प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं, जैसे PWBD जो है कैंडिडेट अर्डनली बीन जो मिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर, मतलब जितने भी इस तरह के छूट हैं उसे दिए गए, कितने साल उनको छूट दी गई उसके बारे में दिया गया है। और इसके बाद आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट कंसीजन
कैटेगरी बिलो द आउटसाइड 500 रुपये फीस है जनरल ओबीसी के लिए, और फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम दे देगा उसको जो है 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा, जो फर्स्ट एग्ज़ाम में अपेयरिंग होगा, लेकिन जो अपेयरिंग होगा उसको एग्ज़ाम पैसा वापस नहीं किया जाएगा। जो SC ST हैं और जैसे ट्रांसजेंडर हैं उनको 250 रुपये देना होगा, और उनका फर्स्ट स्टेज के बाद जो है 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा, और पेमेंट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन SBI बड़ी से किसी भी कार्ड से आप कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी आप ऑनलाइन जा करके पोस्ट ऑफिस चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो है वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा किस तरह के उसमें पूरे तरह से डिटेल दिया गया है। एक सर्विसमैन के लिए किस तरह से क्या मिनिमम फॉलो किए जाएंगे उनको सिलेक्शन के लिए, वो सब दिया गया इसमें है। तो इस फिर जो PS होते हैं उनके लिए क्या है, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखना है कि किस तरह से विज्ञापन के द्वारा जितने पोस्ट हैं JEE की है उसमें कैसे एग्ज़ाम किया जाएगा, यानी जो फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम होगा सेकंड स्टेज दो स्टेप में, उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा, तो ये स्टेप हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम होगा जो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसमें जो 90 मिनट दिए जाएंगे फर्स्ट स्टेट एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन के लिए, ये जो है फर्स्ट स्टेट एग्ज़ाम होगा जो फर्स्ट, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि 90 मिनट टाइम रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम जो है कराया जाएगा, फर्स्ट नॉर्मलाइज करने के बाद जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनको सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, इसका सिलेबस देख लीजिए। पहले जो फर्स्ट स्टेज इसमें जो है मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, तो मैथमेटिक्स जितने भी चैप्टर हैं अर्थमेटिक्स उसमें पूछे जाएंगे, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, एलिमेंट्री भी है। इसके बाद GS होगा, रीजनिंग होगा और GS होगा, यानी GS रीजनिंग होगा, फिर जनरल साइंस पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो हाई स्कूल बेस पे है वो पूछा जाएगा। आप देखिए जो है फर्स्ट स्टेज में जो क्या क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेक्शन, इस सेक्शन में कितने को, मैथमेटिक्स के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 प्रत्येक सेक्शन में 30 रहेंगे। रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GS के जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साइंस के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 100 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 90 मिनट का टाइम होगा, यानी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कि 30 क्वेश्चन जो है मैथ के रहेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 15 क्वेश्चन जो है GS के रहेंगे, 30 क्वेश्चन जो है साइंस के रहेंगे, और इसमें जो है 40% अंक पाना अनिवार्य रहेगा, 30% OBC के लिए, 40% जनरल के लिए, SC के लिए 30%, यानी जनरल के लिए 40% मार्क, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% रहेगा, और इसमें 2% जो है डिस्टेबिलिटी जो उनके लिए। इसके बाद सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइज करने का जो फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई उनके लिए एग्ज़ाम किया जाएगा, उसमें जो है 120 यानी 120 मिनट में जो है 150 क्वेश्चन करने लगे, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने रहेंगे। इसमें जो है सिलेबस में जो है क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जनरल अवेयरनेस, फिजिकल, कंप्यूटर, इन्वायरमेंटल, बेसिक कंप्यूटर फीस एंड कंट्रोल ऑफ ईच बिलो। इसमें देखिए 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने रहेंगे, उसके लिए सिलेबस देखिए GS रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगी, हाई स्कूल बेस का सिलेबस रहेगा,
कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर पूछा जाएगा। और इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ जुड़ा हुआ है कि बेसिक इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन, यानी इसमें जो है पर्यावरण भी पूछा जाएगा, क्योंकि प्रदूषण का जो है चैप्टर जो है पर्यावरण के अंतर्गत आता हुआ है। और एक लास्ट में आपका रहेगा टेक्निकल एबिलिटी, आप जिस पोस्ट के लिए भरेंगे उसके लिए टेक्निकल एबिलिटी, जो आप जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल करेंगे इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा। तो इसका देखिए क्वेश्चन का किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जीएस का जो है 15 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जो है 15 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर जो है 10 क्वेश्चन रहेगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन रहेगा, टेक्निकल जो है 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी 100 टेक्निकल रहेगा और 50 जो है नॉन टेक रहेगा। नॉन टेक में दो चीज़ बढ़ी हुई है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़ी जाएगी और एक कंप्यूटर बढ़ा जाएगा, और एक जो है 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के बढ़ जाएंगे। और इसमें जो है 40% मार्क जनरल के लिए, 30% ओबीसी के लिए, 80% 30% एसटी के लिए, 25% अंक पाना अनिवार्य है। यह भी एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही किया जाएगा। अब देखिए कि इसमें किस तरह से 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग ग्रुप एग्ज़ाम ग्रुप के लिए, मैकेनिकल एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग के लिए, तो जो मैकेनिकल के थ्रू इतना इतने जो इतने जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जो ये सब मैकेनिकल के पार्ट है, इनकी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट में आ जाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाइड इंजीनियरिंग में जाएंगे। और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो है इसके पार्ट में जाएगा, इसमें कौन कौन से विषय में आते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और इसका ये 4 नंबर जो है सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग कम्बिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रीम सिविल इंजीनियरिंग, बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर ड्यूरेशन यानी अप्लाइड इन। फिर 5 नंबर जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ जाएगा, फिर सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी इस केमिस्ट्री फिजिक्स सीएमए के लिए, और इसके बाद जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बीटेक जो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, पीजीडीसीए भी अनिवार्य है, और बीएससी बीसीए जो कि केवल बीसीए बी लेवल जो कि 3 ईयर ड्यूरेशन का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए कि नॉर्मलाइजेशन करने का प्रोसेस है कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का ये प्रोसेस दिया गया है। और ये मेरिट इंडेक्स है कि मेरिट का इंडेक्स किस तरह से बनाया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसके बारे में पूरा, कितने कलर फोटो 20 से 50 की भी है, साइन 10 से 40 की भी है, अगर एस सी एस टी सर्टिफिकेट के लिए जो है 50 से 100 की भी दिया जाएगा। और इसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप किस तरह फॉर्म भरेंगे उसके बारे में दिया गया है। आपको किस पेपर किस जो भी किस लैंग्वेज में पेपर देना है उसके बारे में आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, और इसमें 22 लैंग्वेज दिया गया है। ये सबमिशन पेपर मोड एप्लीकेशन कैसे फॉर्म को भरेंगे उसके बारे में दिया गया है सब, तो हॉल टिकट टुकट क्या है कैसा नहीं है। और ये जो है आरआरबी के जितने भी जोन हैं उनकी साइट दिया गया है, कौन कौन से जोन में कौन कौन सा उनका कांटेक्ट नंबर दिया गया है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस जिस आरआरबी से फॉर्म भरते हैं वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट हैं किस तरह से कौन सा सर्टिफिकेट रहेगा, डिक्लेरेशन है इधर, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज़ के लिए सब फॉर्म है,
ये सब से कोई मतलब नहीं है, जो इसके लिए अप्लाई होंगे वो अपना भरेंगे। सिलेबस फॉर जेई के लिए महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इसमें देखिए जेई के लिए सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस फॉर सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग इज ग्रुप जेई, तो इसमें देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स है, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है, फिर सुपर स्ट्रक्चर है यानी हॉलो कंक्रीट वंक्रीट है, बिल्डिंग फिटनेस है, बिल्डिंग मेंटेनेंस है। सिविल के लिए पूरी तरह से सिलेबस है, कंक्रीट सीटी है, सर्वे है, कंप्यूटर अप्लाइड डिजाइन है, कैड जिसे बोलते हैं, जियो टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इस्टीमेटिंग कास्टिंग है, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट है। ये जो है पूरा जो है सिलेबस वो है सिविल के लिए है, जो सिविल इंजीनियरिंग से भरेंगे उनके लिए सिलेबस है। सिविल इंजीनियरिंग अप्लाइड इन जेई के लिए अप्लाइड इन इलेक्ट्रिकल बेसिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बेसिक कंसेप्ट मटेरियल सर्किट एसी फंडामेंटल मेजरमेंट ऑफ, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पूरा सिलेबस है, सिंक्रोनस मशीन जनरेशन सिस्टमेटिंग कास्टिंग एंट्रलाइजेशन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इस सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का इस पर सिलेबस दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल कंपाउंड। तो जो भी जिस प्रतिभा अपना वो अपलोड करके इसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है इसके बाद देखिए बेसिक सब सिलेबस, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सिलेबस है इंजीनियरिंग मशीन है, मटेरियल साइंस है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मशीनिंग है, वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस है, मेट्रोलॉजी है, फुल फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन है, इंडस्ट्री मैनेजमेंट है, थर्मल इंजीनियरिंग है। एक बार देखिए सिलेबस आप जेई, तो ये जो है अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है, सब जितने भी जावा प्रोग्रामिंग जितने भी जैसे जो कि सिलेबस है प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, तो ये अलग अलग सिलेबस दिया गया है हर जितने जिस पोस्ट के लिए भरेगा, जिस ट्रेड या जिस ब्रांच से किया होगा उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है। हम देखिए कि कौन सा पोस्ट है, कौन सा क्वालिफिकेशन है, क्या क्या कौन सा पोस्ट है, कौन सा क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं 03 है जो पोस्ट प्रिपरेंट है, जूनियर इंजीनियर ब्रिज का जो है इंजीनियरिंग है। देखिए जो सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएंगे, सिविल के अंदर क्या क्या है, ब्रिज रहेगा, एस्टिमेटिंग कास्ट इंजीनियरिंग रहेगा, इंजीनियरिंग जितने भी इंजीनियरिंग रहेंगे तो ब्रिज डिजाइन एंड ड्राइंग, पीवे, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट R&D, जितने भी R&D रहेंगे, रिजे वर्क्स एंड वर्कशॉप, ये जो है सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएंगे। और इसके बाद जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप जो रहेगा वो भी C1 के अंतर्गत आएगा, ये भी सिविल इंजीनियरिंग जो BSc इन सिविल इंजीनियरिंग, चाहे सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, चाहे सिविल इंजीनियरिंग BTEC रहेंगे। जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग BSc इन सिविल इंजीनियरिंग, आपसे 3 ईयर ड्यूरेशन, आप कॉम्बिनेशन ऑफ एनी बेसिक स्ट्रीम इंजीनियरिंग फ्राम यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। इसके बाद जो इंजीनियरिंग ट्रैक मैकेनिक रहेंगे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रहेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सब रहेगा, कैरिज एंड वैगन है, डिजाइन एंड ड्राइंग है, डीजल शेड है, पावर है, प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन R&D है।
इसके बाद ये जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इंडस्ट्री है, जितने भी इसके सब्जेक्ट में आएंगे ये इसके अंतर्गत ये पूरे वैकेंसीज जो आएंगी ये पूरा उसके अंतर्गत आएगा। और इसके बाद जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और ड्राइंग वर्कशॉप है, EMU है सर, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन R&D है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें भी शामिल रहेगा, इसमें जो इलेक्ट्रिकल करेंगे वो इलेक्ट्रिकल वाले देखेंगे, R&D एंड और SNT है। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिया गया है ये पूरा सिलेबस। क्वालिफिकेशन जो है 3 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसेबिलिटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट DMS है, जूनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, अकाउंट केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें बैचलर डिग्री मांगा हुआ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री मिनिमम 40% यूनिवर्सिटी, PGDCA, BSc कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी ड्यूरेशन, यानी जो BSc किए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके लिए जो है केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट जो है। इसमें एक दीजिएगा कि हायर क्वालिफिकेशन सच BTech आर आल्सो एक्सेप्टेबल इन लियू ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा इन सेम डिसिप्लिन। इसके बाद ये पूरा वैकेंसी डिटेल है, आप इसको देखिए कि सिविल के लिए कितनी वैकेंसी है, RRB अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है, RRB अहमदाबाद में कुल जो पोस्ट है पूरा मिला करके टोटल पोस्ट जो है 399 है, 225 जनरल है, 58 SC है, 58 SC है, 30 86 जो है, जो 86 जो है OBC की है, 45 एक सर्विस मैन की है, और इधर नंबर वैकेंसी जो है वो डिसेबिलिटीज वालों की है। इसके बाद RRB अजमेर में जो है, RRB अजमेर में कुल जो है 825 पोस्ट है, जनरल की 421 है, OBC के जो है 222 सीटें हैं। RRB इलाहाबाद में जो है, सब कुल पूरी पोस्ट जो है 1446 हैं, जनरल की 788 हैं, और जो OBC की जो है 341 पोस्ट है, ST की 108 है, और SC की जो है 209 है। फिर RRB बेंगलोर में जो है, RRB बेंगलुरु में जो है 708 पोस्ट हैं, 365 जनरल की हैं, 185 OBC की हैं। RRB भोपाल में जो है, RRB भोपाल में जो पूरी कुल वैकेंसीज हैं वो 383 हैं, जनरल की 186, 106 जो है OBC की हैं। RRB भुवनेश्वर में जो, RRB भुवनेश्वर में 242 पोस्ट हैं, जनरल के 108, 69 जो है OBC की हैं। RRB बिलासपुर में 404 पोस्ट हैं, 404 पोस्ट सब जो हैं 404 पोस्ट हैं, OBC जनरल की 220 हैं, 87 जो है OBC की हैं। RRB चंडीगढ़ में 996 पोस्ट हैं, 526 जो है OBC की हैं, जनरल की हैं, 266 जो है OBC की हैं। RRB चेन्नई में जो है 1183 पोस्ट हैं, 625 जो है जनरल की हैं, 291 जो है OBC की हैं। RRB गोरखपुर में 645 पोस्ट हैं, जिसमें 336 पोस्ट जनरल की है, 165 पोस्ट OBC की है। RRB गुवाहाटी में 586 पोस्ट हैं, 306 जो है जनरल की, 156 जो OBC की है। RRB जम्मू कश्मीर में 460 पोस्ट हैं, 237 जो जनरल की हैं, 119 जो हैं, 119 जो हैं OBC की हैं। RRB कोलकाता में
आरआरबी कोलकाता में जो है 1519 पोस्ट हैं, 780 जो है जनरल की हैं, 416 जो ओबीसी की हैं। आरआरबी मालदा में जो है 248 पोस्ट हैं, 37 जनरल की, 45 ओबीसी की है। आरआरबी मुंबई में सब पोस्ट 1544, 816 जो है जनरल की, 392 ओबीसी की हैं। आरआरबी मुजफ्फरनगर में 114 पोस्ट हैं, जहाँ जनरल पूल कुल 64 जनरल के, 28 ओबीसी के हैं। आरआरबी पटना में 299 पोस्ट हैं, 143 जनरल की हैं, 75 ओबीसी की हैं। आरआरबी रांची में 365 पोस्ट हैं, 183 जनरल है, 91 ओबीसी है। आरआरबी सिकंदराबाद में 779 है, 434 जनरल की है, 78 ओबीसी की है। आरआरबी सिलीगुड़ी में 195 पोस्ट हैं, 98 जनरल है, 54 ओबीसी है। और आरआरबी तिरुवंतपुरम में जो है 13,000, आरआरबी तिरुवंतपुरम में जो है 137 पोस्ट है, जनरल 75 है, ओबीसी 31 है। यानी सब जो पोस्टें हैं 13,487 है, जनरल की 7,073 है, ओबीसी की जो है 3,403 है, एससी की जो है, यानी सब जो पूरी जो पोस्टेज हैं वह 13,487 हैं, जनरल की जो है 7,073 हैं, और ओबीसी की जो है 3,403 हैं, एससी की जो है 1958 हैं, और एसटी की जो है 1,048 हैं। तो ये पूरा वैकेंसीज हैं। और उसके बाद जो है, तो ये जो है आरआरबी जेई की पूरा विज्ञापन का निष्कर्ष है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल आबाद को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।